वेलकम टू सिट ब्लॉग। और आज हम तीनों पहाड़ों की सैर पर निकले हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये भाइयों को लेके मैं ज़रा कुछ दूरी पर जा रहा हूँ राइडिंग करने। सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे। और पहाड़ों में टू व्हीलिंग करने में अलग ही मज़ा है। वेल, ये ख़तरनाक भी है कि मैं एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा है, ये गलत चीज़ है। पर अभी रोड खाली है तो मैं इन्जॉय करना कर सकता हूँ। खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आप लोग कभी भी इस तरह की चीज़ें कभी ट्राई ना करें। मैं कॉन्फिडेंस है तो हम कर रहे हैं, जैसा मुझे कुछ लगता है गड़बड़ तो मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ के नज़ारे आपको दिखाने चाहिए तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भैया एक गाना गा रहे हैं तो हमें भी सुनाएं कौन सा गाना है, जरा जोर से बोलें। पहाड़े को ठंडो पानी तेरी जैसे मीठी पानी थोड़े नीला गैनी हो सुवा थोड़े नीला गैनी। पहाड़े को ठंडो पानी तेरी जैसे मीठी पानी थोड़े नीला गैनी। वाह भाई वाह, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। एक्चुअली अभी जाने में मजा आ रहा है, सफर भी अच्छा लग रहा है। सफर भी अच्छा लग रहा है, आराम आराम से हम लोग जा रहे हैं। और हो सके तो शायद हम मछोड़ भी जा सकते हैं। वैसे मछोड़ से कितने किलोमीटर दूर होगा? 9 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। हाँ तो चल रहे हैं फिर मछोड़ी को, चल रहे हैं हम लोग। और मछोड़ बहुत अच्छा जगह है, काफ़ी हाईएस्ट एरिया है जो अभी वहाँ अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा आपको, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे। ये तुम्हारे बुबू जी आ गए हम। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे बोलते हैं पाथरू। कौन सा एरिया हुआ? पाथरू वाला एरिया हुआ। पाथरू मतलब पत्थर होता है एक तरीके से, पाथरो। मैं अभी दिखाता हूँ आपको पाथरो। और मैं आपका अपना नज़ारा, कहीं मैं ही नीचे गिर गया तो कल्याण हो जाएगा। ये देखो नीचे कितनी बड़ी खाई है। वाह, अब मैं दिखाता हूँ आपका एरिया। ये रहा पाथरो का इलाका। और यह और जितने भी यहाँ पेड़ हैं ये सब बुरांस के फूल के पेड़ हैं। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा इलाका है ये, काफ़ी बड़ा पत्थर पहाड़ है। और वो रहा मछोड़ उधर साइड, अभी मछोड़ जा रहे हैं तो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग मछोड़ पहुंचने वाले हैं और राइडिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा। वैसे ये रोड काफ़ी। तो दोस्तों हम पहुंच गए मछोड़, जो कि मछोड़ काफ़ी पुराना बाजार है इस एरिया का, और हमारे गाँव का भी काफ़ी पुराना बाजार है। अंग्रेजों द्वारा बसाया गया वहाँ एक जगह है, काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है यहाँ पे। और ये पूरा मछोड़ एरिया रहा। आज हम मछोड़ पर थोड़ा घूमेंगे। ये रहा मछोड़। ढाबा है वहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, छोले रहते जो कि फेमस है पहाड़ों को, तो मैं पता ही है बस छोले रहते हमारे रेडी हो रहे हैं तब तक हम लोग रहते हैं। और यह अंधेरा बहुत ज़्यादा है गाइस। हमारे छोले और रायते आ गए हैं। ये रहा प्रमोद के लिए जिन्हें, और छोटा तो उधर ही खा रहा है। तो खाकर बताते हैं कैसा है स्वाद इसका। बताता हूँ इसका कैसा है एक्चुअली लग रहा है। घोड़ा चेस्ट हो गए काफ़ी अच्छा है टेस्ट है। सो अभी छोले और रायता खा के काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेट में कुछ गया है और अब थोड़ी बहुत एनर्जी आई है। तो खा के थोड़ा हम टहले निकले हैं मछोड़ का थोड़ा एरिया देखने।
कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये एक्चुअली जंगलों में आग लगी थी बीच में, काफ़ी बड़ा पहाड़ जल चुका था। गर्मियों में पहाड़ों में आग लगी जाती है, या तो जानबूझ कर लगाई जाती है या फिर गर्मी के कारण लग जाती है। सो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बस हम सीधे अब घर की तरफ निकल रहे हैं। तो अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।